तो इस टाइप से सैम्पलिंग होके मिलने वाली है। इस अभी कटिंग की लेयर लगी हुई है, तो इस टाइप से कलर चार्ट रहते हैं, देख रहे हो ना आप, इस टाइप से ये कलर पैटर्न लगे हुए सारे। मतलब कोई भी जो हमारा साइज चार्ट रहता है वो स्टैंडर्ड साइज चार्ट रहता है। ये देखो लास्टिक का प्रोसेस देखो, प्रॉपर वेरोलाई की पैकिंग होके आने वाली। अप्रोक्स मैं मानूं कि कम से कम 1 लाख पीस हमारे पास एवरी टाइम अवेलेबल रहते हैं। आप जब भी ऑर्डर करोगे तो सेम डे आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा उसका रीजन। तो दोस्तों अगर वेरोलाई में आना चाहते हो ना तो आपको पहले इंडिया गेट आना पड़ेगा। अगर गूगल पे आप इंडिया गेट डालते हो तो ये इंडिया गेट वाला एरिया है जो कि चौराहा है, काफी भीड़ रहती है यहाँ पे। अभी सुबह का टाइम है तो बहुत भीड़ है। इंडिया गेट पे आप आते हो, उसके बाद में मैं आगे का रूट आपको सजेस्ट करता चलूंगा कैसे आपको आना है। वैसे हमारी लोकेशन अगर आपके पास है तो आपको इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि लोकेशन बहुत ही सीधी है, मतलब लोकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी इंडिया गेट से अपन कैसे चलेंगे, इंडिया गेट से आप जिस भी साइड से आ रहे हो ना, जिस भी साइड से आ रहे हो, तो इसमें दो रूट जाते हैं, एक जयपुर साइड जाता है, एक अपने इधर सांगानेर साइड में जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंडिया गेट आना है। इंडिया गेट से आपको वाटिका साइड, मतलब आप किसी से पूछोगे तो ये वाटिका वाला रूट ले रहे हैं। मैं गाड़ी के अंदर हूँ, थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको, पर ये वाटिका के सीधा चलेंगे अपन। ये मतलब इंडिया गेट से आप मान के चलो 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मैं आपको सजेस्ट करता चलूंगा कैसे आपको आना है, फैक्ट्री कहाँ पर है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो उसको सीधा चलना है, मतलब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जयपुर से मतलब अगर अपन बस स्टैंड से बात करें तो लमसम 16 से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि आप ज्यादा नहीं बोल सकते कि ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत सीधा है। मतलब ये मान के चलो आप ये अप्रोक्स 700 मीटर आपको सीधा चलना है, इसके बाद में आपको लेफ्ट टर्न लेना है। ये यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ पे ये देखो अल्टांटिस नाम से ये अपना रिजोर्ट है, बैंकेट है। यहाँ पे आप आते हो इसके पास पास में से, नोव होटल नाम के भी यहाँ पे एक होटल है, ये नोव होटल होटल है। सीधा आना है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब कहते ना कि दिल्ली की गलियों से तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, रोड भी आप देख रहे हो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही रन होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो क्वालिटी और जो फिनिशिंग और जो प्राइस पॉइंट है ना, वो आपको प्राइस पॉइंट भी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट आने वाला है, और साथ में आपको क्वालिटी तो बहुत बेस्ट आने, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी पे काम होता है यहाँ पे सारा। आप देख सकते हो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको यहाँ के रोड से क्लीनिंग से पता चल रहा होगा कि कैसा एरिया है, बहुत ही पौधदार पिगमेंट, काफी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो यहाँ पर है। तो देखो आप अभी मैंने सजेस्ट किया था वहां से आप घूमते हो तो सर्किल आएगी, सर्किल से सीधा चलना है अपने को, कहीं भी आपको इफ्नो बट का काम नहीं है, सीधा सीधा आना है। और यहाँ से पहला कट आएगा, उस पहले कट के बाद में दूसरा जो लेफ्ट है ये सेकंड लेफ्ट है, जैसे यहाँ से सेकंड लेफ्ट आ रहा है ना, यहाँ से आपको ये सेकंड लेफ्ट है, ये आप ऑलमोस्ट मतलब वेरोलाई पे पहुंच चुके हो, ऑलमोस्ट आप यहीं पे आ चुके हो। ये अपना फैक्ट्री है, मैं एक बार उतर के भी आपको पूरा अच्छे से सजेस्ट कर दूंगा कहाँ पर कैसा है। ये अपना फैक्ट्री है, मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है सर, मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़ी खुली जगह पे रहते हैं। ये अपना फैक्ट्री आउटलेट है, आप आते हो यहाँ पे, हमारे गार्ड अंकल रहेंगे, और ये अपने वेरोलाई का लगा हुआ गार्ड अंकल रहेंगे, उससे सजेस्ट कर सकते हो कैसे आना है क्या है। बिल्कुल सीधा सीधा आना है आपको, हो सकता है कुछ कुछ क्लिप्स में डालूं, क्योंकि सारी क्लिप्स तो मैं नहीं डाल पाऊंगा। आपको सीधा आना है, मतलब यहाँ से सीधा आना है, सीधा आके और यह पे स्टीरियर है राइट हैंड पे, सीधा आके राइट हैंड पे स्टीरियर है। फर्स्ट फ्लोर पे अपना वेरोलाई का जो मैन्युफैक्चरिंग है, सैंपल रूम है, जो प्रोडक्शन हाउस है, वो सारा यहीं पर रहने वाला। फर्स्ट फ्लोर आप आते हो और आपको वेरोलाई का बोर्ड भी यहाँ पे दिख जाएगा, ये सामने वेरोलाई का बोर्ड है, ये वेरोलाई का बोर्ड है, और ये अपना एंट्री है, यहाँ से आपको एंटर करना है। यहाँ पे आप ये मैन्युफैक्चरिंग रह गया, और ये वाला पार्ट है जिसमें प्रोडक्ट रखे जाते हैं। लोग में कंटिन्यू रहिए, आगे आपको मैं सजेस्ट करता रहूंगा। तो दोस्तों वेरोलाई के आपको मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लेके आया हूँ कि कटिंग कैसे रहती है, हमारे पास स्टॉक कैसे रखा रहता है। तो ये देख सकते हो आप, सारा स्टॉक है, जैसे ये ओवरसाइज के टी शर्ट्स का स्टॉक रखा हुआ है, ये मेटी वाला जो रहता है ड्राई फिट मेटी वो रखा हुआ है, एनएस लाइक्रा में 18% हो गया, 24% हो गया, 12% हो गया, सारा यही रखा होता है, कॉटन्स के कुछ आर्टिकल रखे हुए हैं। तो स्टॉक ऐसा रहता है ना, हमारे पास रोज आता है, कटिंग होती है और वो बन जाता है। जैसे ये अभी कटिंग की लेयर लगी हुई है, तो इस टाइप से कलर चार्ट रहते हैं, देख रहे हो ना आप, इस टाइप से ये कलर चार्ट है, रेगुलर कलर्स रहते हैं, ब्लैक, नेवी, लाइट ग्रे, ब्लैक, डार्क ग्रे, इस टाइप के कलर चार्ट रहते हैं। और ये फरमाना लगा के और कटिंग हो रही होती है, अभी रुकवाया हुआ है कटिंग को, ये कटिंग मास्टर है, ऐसे इस टाइप से कटिंग रहती है,
और एक एक चीज जो रहती है वो पूरा एकदम जो फर्मा भी देखोगे ना, जो कटिंग भी देखोगे तो पूरा एकदम साफ कटिंग होती है, पूरा मतलब कटिंग बहुत अच्छे से करी जाती है, ऐसा नहीं कुछ भी काट दिया, परफेक्ट तरीके से फर्मा लग के कटिंग होती है। और ये पैटर्न्स देख सकते हो, सारे पैटर्न्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इस टाइप से पैटर्न्स लगे हुए हैं सारे, मतलब कोई भी जो हमारा साइज चार्ट रहता है वो स्टैंडर्ड साइज चार्ट रहता है पहली बात तो, जिससे कि आपको परफेक्ट साइज निकल के आती है और इस टाइप से कटिंग लगी रहती है पूरा। और जो भी प्लांट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इनहाउस होता है, हर एक चीज़ इनहाउस रहती है, देख सकते हो आप, ये कंसाइल हो रही है, मतलब जो लास्टिक लगती है वो हो रही है, ये देखो लास्टिक का प्रोसेस देख रहे हैं, हर एक इनहाउस है। इनहाउस बताने का रीज़न ये है कि प्राइस का फायदा रहेगा, साथ में क्वालिटी बेस्ट निकल के आएगी। सारी मशीनरी लगी हुई है वहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा मशीन लगी हुई है, हर एक प्रोसेस इनहाउस रहता है। आप चाहे इसकी सिलाई में जो भी पार्ट लगते हैं सारे इनहाउस रहते हैं, एक एक चीज़ इनहाउस रहती है, देख लो आप। ये शायद प्लेट फोल्डर का कोई मशीन है, उसमें शायद वेस्ट या कुछ बन रहा है, टी शर्ट वगैरह उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस टाइप से ये देख सकते हो, एक एक चीज़ ये देख सकते हो आप, ये लेयरिंग हो रही है, वहाँ पे मैंने कटिंग दिखाई है, कटिंग हो रही है, उसके बाद में जो फिनिशिंग है, मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद जो फिनिशिंग पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये फिनिशिंग वाला पार्ट है, ये देख सकते हो आप, हर एक पीस की धागा कटिंग, उसकी चेकिंग, उसमें कोई अल्ट्रेशन होगा या कुछ भी इशू होगा ना तो वो अभी यहीं पे रिजोल्व हो जाएगा, आपके पास एक भी पीस खराब नहीं पहुँचेगा, ये देख सकते हो, हर एक चीज़ की फिनिशिंग बेस्ट, मतलब आपका थ्रेड की एक भी शिकायत नहीं आने वाली है और कोई पीस खराब नहीं आने वाला है। और जो लेबल लगते हैं, जैसे ये डबल टू वाला जो लेबल है वो एक हीट प्रेस मशीन आती है इस टाइप से, इससे लगता है। और ये अपना रहता है टैगिंग, जो MRP टैग होता है वो MRP टैग लग रहा है, उसके बाद होती है आयरनिंग, ये देख सकते हो आप आयरन हो रहा है, आयरन होने के बाद में पीस इस टाइप से कुछ रहता है, ये देख सकते हो प्रॉपर वेरोलाई की पैकिंग होकर आने वाली है, और साथ में इस पर MRP भी रहती है, ये देखो आप, ये कोई प्रोडक्ट है ट्रैक 218 डबल एक्सल साइज है और इसकी MRP है 629। इस टाइप से MRP डिटेलिंग पूरी है, इसके अंदर कौन सा कलर है, कौन सा फैब्रिक यूज करा हुआ है, तो एवरी डिटेल यहाँ रहती है। इस टाइप से पैकिंग होती है पूरा पूरा वेरोलाई की पैकिंग होकर आने वाली है, MRP टैग सभी पे आने वाला है, और हर एक पीस की बहुत ही बारीकी से चेकिंग होकर माल बनता है। और ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में अपन इस माल को सारे को अंदर लेके आते हैं पैकिंग के लिए, पहले इसको अरेंज किया जाता है स्टॉक रूम के अंदर, हर एक देख सकते हो आप, मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक दिखा रहा हूँ, कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, स्टॉक देख लो आप एक बार, अप्रोक्स मैं मानूँ कि कम से कम 1 लाख पीस हमारे पास एवरी टाइम अवेलेबल रहते हैं। आप जब भी ऑर्डर करोगे तो सेम डे आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा, उसका रीज़न यही है कि स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा स्टॉक भरा हुआ है, इस टाइप से रैकिंग ओके है पूरा, ये देख लो आप, इस टाइप से सभी में पाँच छः कलर चार्ट आते हैं, पूरा ब्रांडिंग ओके माल मिलता है, और इस टाइप से स्टॉक आता है, जो भी माल निकलता है उसका इन्वॉइसिंग इस टाइप से यहाँ पे होता है। ये जैसे ये स्टॉक मैनेजमेंट का हो गया, यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट होता है, हर पीस एक बिनिंग के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, ये देख लो आप, पूरा स्टॉक है। और जो आपका जो भी ऑर्डर प्रोसेस होता है ना, उसकी यूनिट अलग बैठी होती है, इस टाइप से आपका ऑर्डर रहता है, ये देखो ऑर्डर पैक होगा ना, तो इस टाइप से पैकिंग होती है, वो वीडियो बन के पैक होता है ऑर्डर, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा पीस पैक हो गया। और ये जो पार्ट रहता है, ये रहता है आपका ऑर्डर जब आता है तो सेल्स टीम है जो आपका ऑर्डर रिसीव करती है, उसके बाद में अकाउंट्स की जो टीम है वो अकाउंट्स जो बंदा रहता है वो उसका बिलिंग करता है, बिलिंग करने के बाद में फिर ये प्रोडक्ट हमारे स्टॉक रूम को दिया जाता है, स्टॉक के बाद में वो आगे चल के आपके पास पहुँचता है। और मैं आपको एक बार सैंपल रूम भी इसमें दिखा देता हूँ, किस टाइप से हमारा सैंपल रूम रहने वाला है, पूरा लाइव चल रहा है, एक भी इसमें ऐसे नहीं कंसेशन किया हुआ है, पूरा लाइव है आपको, ये हमारा सैंपल रूम है, मतलब आप अगर वेरोलाई में आते हो ना तो इस टाइप से सैम्पलिंग होकर मिलने वाली है। इस टाइप हमारा शर्ट्स का यूनिट अलग रहने वाला है, और पजामा और टी शर्ट शॉर्ट्स जो स्पोर्ट्स वेयर में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनका जो सारा माल है वो 2 फैक्ट्री में बनता है, एक मैंने आपको दिखा दिया अभी, और एक फैक्ट्री हमारा और है, उसका कभी मैं बाद में व्लॉग बनाऊंगा। अभी आप देख सकते हो सारा माल यहाँ पे, जैसे ये ट्रैक सूट है, ट्रैक सूट NS का है, ये इसमें पजामा अलग से आ रहा है, ये अपर हो गया, जैसे इस टाइप के अपर जो नीचे जिस टाइप से इसमें वो लगा हुआ है, डोरिस्टिंग लगी हुई है, ये देखो दोनों साइड डोरिस्टिंग है, प्रॉपर ब्रांडिंग चेन के साथ आने वाला माल है ये देख सकते हो आप। और जो भी माल है ना इसके अंदर जैसे .net यूज करी जाती है, इस टाइप से .net पजामे में आपको लाइकरा पजामा चाहिए, आप कभी यहाँ आते हो ना तो आपको ज़्यादा फायदा रहने वाला है, इस टाइप से लाइकरा पजामा मिलने वाला है, इस टाइप से लाइकरा पजामा है, ये आप यहाँ आते हो तो आपको फायदा बहुत रहने वाला है, क्योंकि टी शर्ट्स की वैरायटी, जैसे ये जैसे नायलॉन टी शर्ट आती है,
मतलब अगर फील्ड टच में पता नहीं चला ना तो नायलोन की टी शर्ट है, सभी चीज पे एमआरपी टैग आएगा। इस टाइप से एमआरपीओ की आने वाली है, हर एक पीस पे एमआरपी देख लो आप, कोई भी टी शर्ट वगैरह लोगे ना सब पे एमआरपी आने वाली है। इस टाइप से फुल स्लीव, हाफ स्लीव, आपको राउंड नेक टी शर्ट चाहिए, कॉलर टी शर्ट चाहिए, कॉलर में फुल स्लीव चाहिए, जैसे कॉलर की फुल स्लीव मिलने वाली है। इस टाइप से आपको इस टाइप से पजामों की वैरायटी मिलने वाली है। आज सिर्फ मेरा यही पर्पस था कि हमारा फैक्ट्री अवेलेबल कहाँ पर है, साथ में आपको यही बताना था कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं। इस टाइप से शर्टिंग का कैटलॉग मिल जाएगा। शर्ट हमारे पास जो स्टार्ट होती है वो सांगनेरी प्रिंट होती है 250 से 250, फिर उसके बाद में लेकर हमारे पास 400 तक की आपको वैरायटी मिल जाएगी, 250 से लेकर 400 तक की वैरायटी मिल जाएगी। और टी शर्ट्स की बात करूं कॉलर की, तो कॉलर टी शर्ट स्टार्ट होती है 210 रुपए से लेकर हमारे पास आगे तक को आपको मिल जाएगा। राउंड नेक टी शर्ट जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 150 रुपए से, 150 से लेकर आगे तक का, जैसे कि मान के चलो 280 या 290 रुपए तक का आपको ओवर साइज की टी शर्ट होती है, उसके बाद तक मिल जाएगा। पजामे 200 रुपए से स्टार्ट होते हैं, अप टू आपको 450-500 रुपए तक का पजामे मिल जाएगा। साथ में आपको शॉर्ट्स जो होता है 145 से स्टार्ट होता है, आगे शो ऑन रहता है उसका, उससे आगे मिल जाएगा। वैरायटी की बात ऐसे कि ये वीडियो अभी बन रहा है, राइट नाउ भी कम से कम 10 वैरायटी ऐसी होगी जो यहाँ नहीं लगी हुई है। ऑन प्रोसेस है, आता जा रहा है, जाता जा रहा है, माल क्वालिटी वाला मिलने वाला है। मतलब हर एक पीस की अगर मैं फिनिशिंग क्वालिटी की बात करूँ तो इस टाइप से फिनिशिंग आने वाली है। मैंने फिनिशिंग दिखाया था कि हमारी फिनिशिंग क्यों ज़्यादा बेस्ट आती है। हमारे पीस में आपको अंदर भी आपको देखो ना, इन साइड भी आप देख लो, आप किस टाइप से इसकी वो देखो, आप सिलाई वगैरह कैसे होके आती है, परफेक्ट पीस आने वाला है। कोई भी आप पीस देख लो सही है, जैसे कॉलर की टी शर्ट है तो इसका पीस देख लो आप, परफेक्ट पीस आने वाला है। किसी भी पीस में कोई इश्यू नहीं आने वाला है। निटिंग एक से बढ़कर एक मिलने वाली है। हो सकता है वीडियो में निटिंग का इश्यू आ रहा हो, ये वाइट में थोड़ा इश्यू रहता है, जैसे निटिंग का हर में, कोई में स्पार्कल निटिंग आने वाली, किसी में रिबॉक निटिंग आने वाली है, किसी में आपको ड्राई फिट की निटिंग्स आने वाली है, बहुत सारी आपको निटिंग्स मिलने वाली है, डिफरेंट टाइप के पजामे मिलने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर मैं नंबर छोड़ दूंगा, आप आके स्क्रीन पर नंबर रहेंगे, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पूरा इन हाउस प्रोसेस रहता है तो आपको फायदा मिलने वाला है, बेहतरीन क्वालिटी मिलने वाली है। आप आते हो तो सोफा यहाँ पे अरेंज देता है, आप आके मिल सकते हो, देख सकते हो, बेस्ट वैरायटी, बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे मिलने वाली है। प्राइस भी बहुत रीजनेबल, मगर जो क्वालिटी का जो माल बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बहुत ही रीजनेबल आपको प्राइस मिलने वाली है, बेस्ट क्वालिटी मेरे मिलने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर है, फटाफट जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप हमारी जो टीम रहेगी वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, वीडियो कॉल करके आपको सारा कैटलॉग दिखा देगी, और आप फोन पे बात करके भी ले सकते हो। हमारा कैटलॉगिंग सारा बना हुआ है व्हाट्सएप पे, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लेने के लिए वेरोलाइज जरूर आपको एक बार विजिट करना चाहिए। आप जयपुर आते हो तो जरूर विजिट कीजिए, घूमना भी होगा, साथ में हमारे से मिलना होगा, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। बहुत अगर वो दुकान या कोई शॉप डालने का सोच रहा है तो वो शॉप डाल सकता है, क्योंकि ऐसी वैरायटी क्वालिटी अगर आप भेजते हो तो आपको लमसम लमसम दो गुना फायदा है। मतलब अगर आप 200 को ये चीज ले रहे हो तो 400 तक आराम से सेल होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो आके हमें बताते हैं, इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, नया कोई बंदा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, स्क्रीन पे नंबर वहाँ जाके कोऑर्डिनेट कर लीजिए और नंबर को सेव कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट आता रहे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।